हूँ आपका अपना दोस्त विनोद और फिलहाल हूँ चित्र विचित्र मेला जहाँ भरता है पोसीना तहसील के गुणवाखरी गांव में। और हर साल ये मेला भरता है। पिछले 2 साल जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना का टाइम चल रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन ये 2 साल बाद इस बार हो रहा है मेला, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ आपको बहुत टाइमिंग के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं एक स्टॉल पर आया हूँ और यहाँ पर एक स्टॉल है जिसका नाम ललितम स्मृति कुंज रखा हुआ है। इसके अलावा आवो अपनी संस्कृति नु जतन करिए ऐसा भी लिखा हुआ है। और एस के 28 श्री वीरा फड़ो प्राथमिक शाला तालुका पोसरे जिला साबरकांठा स्वदेशी बिजनी ओड़क ऐसा लिखा हुआ है, जो कि गुजराती में लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं जो स्टॉल को संभाल रहे हैं उनसे बातचीत करें और जाने कि आखिर ये स्वदेशी बिजनी ओड़क क्या है। और मैं यहाँ पर जैसे देख पा रहा हूँ, तो आपको वीडियो में भी अगर दिखा हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग बीज रखे हुए हैं। अब इन सारे बीजों को तो मैं जानता नहीं हूँ, कई बीजों के नाम कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर एक भाई है जिनको मैं पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ, विक्रम भाई नाम है, विक्रम भाई नाम जी है जी जी। तो विक्रम भाई, जैसा कि आपका नाम तो मुझे पता है, आप गाइड है इतना भी पता है, लेकिन ये ललितम स्मृति कुंज में आज कैसे? हाँ, ललितम स्मृति कुंज एवं ललितम बीज बैंक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा ललितम स्मृति कुंज समूह है, जो इनकी जो सेवा क्रिया प्रवृत्ति है, जिसमें जगह बीज एकत्रीकरण करना, बीज वितरण करना, और जहाँ जरूरत मतलब जगह है वहाँ बीज बोना और बीज पूरे गुजरात में एवं पूरे भारत में और विदेश में भी हमारे बीज पहुंच चुके हैं ललितम बीज बैंक के। तो हम जो बीज चाहिए जिन लोगों को, उसे हम कुरियर या पोस्ट के जरिए निशुल्क बीज देते हैं कोई भी। अच्छा, तो जैसा कि ये ललितम स्मृति कुंज के जरिए आप बीज इकट्ठे करने का कार्य किया गया है, और जिस किसी को चाहिए उन्हें आप बीज उपलब्ध करवाते हैं पोस्ट के जरिए, और निःशुल्क वो भी। तो जैसा मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी प्रजाति के हैं, मैं उनकी गिनती तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आप 350 प्रकार के बीज हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। जी जी, तो ये जो 350 आपने बीज बताए, तो वो कौन से बीज है, मतलब किस चीज़ों के हैं, पेड़ के हैं, फूल के हैं? सभी प्रकार के हैं, जैसे कि बगीचे में लगाए जाते हैं वो हैं, साग भाजी वेजिटेबल के हैं, मध्यम कद के वृक्ष भी हैं, और मतलब घटादार वृक्षों के हैं, सभी प्रकार के छोटे मोटे कुल मिलाकर पौधे पेड़ सभी प्रकार के जो अपने खास मुख्य जो होते हैं, और लुप्त प्रजाति भी हमारे पास हैं जी। तो जैसा कि आप लोग ये जो स्वदेशी, आपके साथ आपके अभी स्टॉल में कौन कौन है? हाँ, तो हमारे ललितम बीज बैंक एवं ललितम स्मृति कुंज के मतलब प्रणेता बीरबल भाई राठौड़, जो एक टीचर हैं, और मैं गाइड हूं, और हमारे कई दोस्त अभी आने वाले हैं, तकरीबन 6-7 की अभी फ़िलहाल हमारा समूह है। जी जी, तो हमारे साथ यहां पर बीरबल भाई भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बीरबल भाई नमस्ते। नमस्ते। तो कैसा लग रहा है 2 साल बाद ये चित्र विचित्र का मेला हो रहा है? ये तो क्या है कि कुदरत का एक ऐसी मतलब हमके चाबुक थी कि लोग इतने पेड़ काट रहे हैं, इतने जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, फिर पानी का उपयोग भी ऐसी तरह कर रहे हैं कि पानी वैसे सदियों तक हमें मिलता ही रहेगा, लेकिन ये सब स्रोत है वो अप्राप्य स्रोत है, लेकिन इनका हमें विवेकपूर्ण उपयोग कैसी तरह किया जाए, इसीलिए कुदरत ने हम पर एक ऐसी मतलब एक अवसर पैदा किया था कि हम जो प्रकृति है उनका क्या महत्व है वो समझ सके। और जी जी बिल्कुल, प्रकृति का महत्व लोग समझ पाए इसीलिए आपने ये शुरू किया, इतना मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ। लेकिन एक बात है कि हम कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे एक वजह होती है। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एक सीधी सी बात अगर समझी जाए तो बिजनेस तो होता ही है, मेरा तो बिजनेस है, ये मैं समझ सकता हूँ और बहुत सारे लोग जानते ही है, और कुछ भी करो उसमें होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा, जिस तरीके से विक्रम भाई ने बताया, बिजनेस जैसा तो कुछ है नहीं, फिर ये काम क्यों? क्योंकि ये हम अंतः प्रेरणा से कर रहे हैं, हम इस सृष्टि में आए हैं तो हम इस समाज को, इस सृष्टि को कैसे हम उपयोग आ सके, हमारा काम कैसी तरह आ सके,
और ये जो ललितम स्मृति कुंज है वो ललित मेरे भाई का नाम था, मेरा छोटा भाई था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी प्रेरणा से, उनके जो काम थे उनकी प्रेरणा से उनका नाम अगर कुछ हो सके, ऐसी तरह मैं रात दिन मेहनत करता रहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज और लोगों और सृष्टि को काम आ सके जी। और जैसा कि यहाँ पर केवल बीज नहीं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देख रहा हूँ जो कि संस्कृति से जुड़ी हुई है और आदिवासी समाज की संस्कृति से जी। तो हमारी हमारे कार्य वहीं लिखे हुए हैं, स्वदेशी बीजों का संरक्षण एवं सांस्कृतिक साहित्य का निर्माण जी, ठीक है, तो वो भी हम कर रहे हैं। और ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है जो हमारे आसपास के, उसकी माहिती एवं उसके फोटोग्राफ्स वो भी हम कर रहे हैं। और स्थानिक कला होती है, हैंडीक्राफ्ट जैसे होते हैं जी, आप देख सकते हो ये खजूरी का जो पौधा है, मतलब पान है जी, इनके ये सब बनाए हुए हैं, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के सामने हम ला सके और हमारे जो लोग हैं उनको जैसे कोई दो पैसों की कोई उपज भी हो सके, वो भी हमारा एक आशय है जी। जी बहुत बढ़िया। और मुझे ये लगता है कि आज के समय में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और क्या है, आपने पहले, आप हमारा सवाल अधूरा है जी। और हमारे जो वयस्क लोग हैं जो 40-50 साल पहले, जो आप देख सकते हो इधर कि जो पानी ऐसी तरह निकाल करके और ये इस बिना टेक्नोलॉजी एवं बिना लाइट का उपयोग करके कुएं में से पानी निकाल के हमें खेती करते थे और उन खेती को खिला खिला के हमें बड़ा किया है, तो हमारे बुज़ुर्गों पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है, वो मैसेज भी समाज में जा रहा है। और आजकल क्योंकि हमारी जो जनजाति समाज था वो बहुत शांति से प्रकृति में और बहुत बढ़िया तरीके से जी रहा था, तो आधुनिकता के आक्रामकता के कारण आजकल लोग सिटी में स्थानांतरित हो रहे हैं और सब ये हमारे रीत रिवाज अच्छी बातें थी, मतलब नया वो सब नया नहीं है और पुराना वो कुछ वो सब पुराना नहीं है, इस मैसेज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी संस्कृति को भी हम बचा सके उस आशय से हम चल रहे हैं जी। मेरे मन में यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि जैसा विक्रम भाई ने बताया और मैं भी व्यक्तिगत आपको जानता हूँ, तो आप विद्यालय में एक अध्यापक भी है, टीचर है, तो समय निकालना और परिवार को भी देखना ये मतलब पॉसिबल तो होने जैसा है नहीं, क्योंकि अगर आप स्कूल से घर आए तो परिवार वाले भी ये चाहेंगे कि हमें समय दिया जाए, और फिर आप ये कैसे समय निकाल लेते हैं? वो तो हमें अनुकूलन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, घर वाले हैं सब, उनको वो भी इस काम में मुझे बहुत बड़ा सहयोग रहता है और मेरी वाइफ है वो भी बहुत बड़ा सहयोग करती है, क्योंकि पूरा एक हमारा कमरा है वो पूरा का पूरा कमरा इस बीजों से भरा हुआ है जी। और उनकी सफाई और उसमें कीड़े भी पड़ते हैं, कुछ जंतु भी पड़ते हैं तो भी वो सफाई करती है और उनकी देखभाल वो सब कर रहे हैं, इनकी वजह से ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी बात है कि 50-60 साल पहले, मतलब 100 साल पहले हमारे जो प्राचीन काल के जो मतलब अनाज थे वो भी हम यहाँ प्रदर्शनी में लेकर आए हैं, ये सेणव है जी। मतलब इनके साथ एक आदि राजस्थान का जो संस्थान है, आस्था संस्थान आदिवासी विकास मंच, वो भी इस बीजों को लेकर के काम कर रहा है और ये बीज भी हम प्रदर्शनी में लेकर के आए हैं, ताकि आजकल जो सब कुछ बीमारियाँ हो रही है वो हाइब्रिड एवं ये दवाई वाला खाना खा करके लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी आयु बहुत कम हो रही है, और हमारे जो बुज़ुर्ग है, हमारे जो वरिष्ठ जन है, वो आज 100 साल हुआ है तो भी उनके दांतों के दांत ऐसे है, बाल ऐसे है और उनके बोलने की देखने की शक्ति वैसी की वैसी है, और आज हम 50-60 साल में तो जैसे वृद्ध हो जाते हैं, तो इस बीजों का संरक्षण हो सके तो हमारी संस्कृति समाज और संपूर्ण मानव समाज भी बच सकता है जी। एक और सवाल कि ये बीज जो है वो, या फिर कोई भी वस्तु है, होती सीमित है, लेकिन अगर उसका संरक्षण, मतलब उसको सुरक्षित रखना ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि संवर्धन, या फिर ये कहे कि उसको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि केवल आप रखोगे तो वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा, तो बचाने के लिए भी तो कुछ उपाय चल रहा होगा। तो क्या है कि हम ये लोगों को जैसे ज़रूरत होती है, तो एक बड़ा सा कवर बनाया हुआ है, एक छोटा कवर है और एक मध्यम कद का कवर बनाया हुआ है, तो इन कवरों में हमने अभी तक किट बनाई हुई है जी। वो एक वर्गीकरण किया हुआ है कि ये है तो ये फूल पौधे है और ये सब बेले है, ये औषधि वाले बीज है, ये देसी साग भाजी के बीज है, सब्जी के बीज है, और ये छोटे पेड़ है, बड़े पेड़ है, फल वाले पेड़ है, तो उनका सब किट बनाया हुआ है और हम हमारे जो
सोशल मीडिया है उस पर डालते हैं, तो जो जो लोगों को ज़रूरत होती है वो किट मंगवाते हैं और उनको कुरियर खर्च भेजे या ना भेजे, हम अपना काम उनके घर तक सुरक्षित ये बीज पहुंचे ऐसा काम हम कर रहे हैं और उस पर हमें सफलता भी मिल रही है। लोग हमें ये पेड़ पौधे बड़ा हो रहे हैं, बो रहे हैं, बड़ा होते हैं ऐसा फोटोग्राफ्स भी हमें भेज रहे हैं, तो बहुत आनंद होता है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग इसको एक तरह से कहे कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बीज जो है वो अभी तो कम होंगे, तो आप उसको कैसे बचा रहे हैं, मतलब लोगों को तो दे रहे हैं आप भी उसको उगा रहे हैं कैसे? मतलब हर रोज़ हम टाइम मिलता है वैसे, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल आप बीज निकालने के लिए एक महीना दो महीना निकालना नहीं, आप कहीं से भी गुजर रहे हो पेड़ तो दिखते ही होंगे, आप घर पे आसपास आप जहाँ भी अपने कार्यस्थल है वहाँ जाते हो तो भी ये पेड़ वैसे है कि वो बीज हमें बिगड़ते हुए वैसे ही दिख जाते हैं, तो हम वो पेड़ है वो पेड़ के बीज है वो हम संग्रह कर लेते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं और फिर जो मंगवाते हैं उनको भिजवाते भी है। और एक काम कि हम शनि रवि होता है हमारा फ्री टाइम होता है, हमारा क्या है कि ये बहुत सारे लोग बाद में जुड़ते गए हैं और सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि आप ऐसा काम करें, तो बीज भी हमें संग्रहित करके दे रहे हैं, बच्चे भी हमें कहीं भी जाते हैं बीज मतलब वो संग्रह करने लगते हैं तो वो छोटे बच्चे भी आ जाते हैं और बीज वो संग्रह करने में काम करते हैं। तो बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही होगी और मैं चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोगों को और ये वीडियो या फिर जो भी बातें हो रही है उसको शेयर करें तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। और बिरबल भाई यहाँ पर फिर मेरे मन में ना सवाल बहुत रहते हैं और सवाल अब ये है कि कुछ तो बीज इसमें ऐसे भी होंगे जो बहुत कम होंगे, शायद अब मिलना ही मुश्किल है, तो उन्हें आप कैसे बचा रहे हैं? ये आप देख रहे हो इसमें एक मेडसिंग करके है ये पेड़, वो गुजरात में शायद कहीं नहीं है। अच्छा। और एक है टैटू, वो भी ये रहा टैटू, ये भी एक दुर्लभ प्रजाति का ही पेड़ है, वैसे पाटला है एक इधर, ये मेडसिंग के है बीज लेकिन पाटला करके इधर होगा कहीं, तो पाटला है वो भी कहीं नहीं है। और हमारी भारतीय औषधि प्राचीन परंपरा में आते हैं वो जो वनस्पतियों का संग्रह है उसमें पाटला का भी है, तो वो बीज है उनका एक भी बीज हम बिगड़ने नहीं देते और वो लोग मंगवाते हैं उनको पहुंचाते हैं। और वैसे गजकरणी करके भी यहाँ बीज होगा तो वो भी कहीं नहीं मिलता है, ये गजकरणी बहुत ही विलुप्त प्राय है और ये घने जंगलों में जाते हैं, बहुत पहाड़ चढ़ते हैं, नदी नाले क्रॉस करते हैं तब जा करके हम ऐसे बीज प्राप्त कर पाते हैं। तो हालांकि डर जैसा तो कोई शब्द आता नहीं है। नहीं, हम रात को 11-12 बजे भी जंगलों में घूमते हैं और ये मेरा वीडियो FB पे डाला हुआ होगा शायद, हम घूमते हैं, घुमक्कड़ी है क्या है, हम ऐसे उद्देश्य से चल रहे हैं तो हमें कोई डर जैसा कोई लग नहीं रहा है। तो ये सारा कार्य करते हुए अभी कितना समय हो चुका है? हमारा ये बीजों का काम 4 साल से चल रहे हैं, लेकिन ये संस्कृति को बचाने का और ये सब रीति रिवाजों को दुनिया के सामने लाने के लिए वो हम 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं। जी जी, तो अभी और कितना आगे लेके जाएंगे? नहीं, वो तो हम जिंदा है वहाँ तक यही काम करते रहेंगे, जो कुदरत ने जो आयु दी है उसमें सब यही काम करना है मेरे को। तो ये कार्य करते हुए कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है, संतोष मिल रहा है, दुनिया हमारी कद्र कर रही है और ये हमारी टीम की पूरी की कद्र कर रही है, हमारे प्रेस नोट भी आते हैं, कहीं टीवी में भी आते हो आप जैसे लोग आते हैं तो हमें ये बहुत उत्सुकता के साथ सवाल भी करते हो, ये हमारे बहुत बड़ी कमाई है। मतलब हम वो कमाई नहीं चाहते, हम बस यही कमाई चाहते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपको जैसे कि आपकी पूरी टीम सुन रही होगी, इसके अलावा बहुत सारे, पहले तो मैं आपकी टीम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कोटोडा टाइम्स के जरिए? मैं कोटोडा टाइम के जरिए हमारे हमारी टीम को तो बस यही कहना चाहते हूँ कि वैसा ही वैसा साथ बना रहे और हम जो सृष्टि है, जगत है, मानव समाज है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके और वो उत्साह से काम कर रहे हैं। और कोटोडा टाइम्स के जरिए मैं हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, बुज़ुर्ग है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबको यही कहना चाहूँगा कि हम अगर इस सृष्टि को बचानी है, हमें हमारा विकास मतलब पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और दूसरों को हम कैसे काम आ सके वो चीज भी हमें हमारे जीवन में हमारे व्यवहार में उतारनी है, ताकि हम किसी की वजह से यहीं खड़े हैं,
मतलब हमें किसी ने किसी तरीके पढ़ाया होगा, कुछ दूसरा किया होगा, तो हम वहीं यहाँ खड़े हैं। तो हम भी किसी न किसी रूप में, वैसे तो ये प्रकृति का काम है, लेकिन कोई भी काम हो तो भी हम उसको काम आ सके, उनको आगे बढ़ा सके, और तब हमारे मानव समाज और हमारे समाज आदिवासी समाज है उनकी भी प्रगति हो सकती है। और एक मैसेज यही कहना चाहूँगा कि मैं ये जो जंगल है, पेड़ पौधे है, वो सरकार के नहीं है, जंगल डिपार मतलब जंगल खाता का नहीं है, वो हमारा है। उसमें जो उपज हो रही है वो हमारी है, और ज़मीन है वो भी उठा करके सरकार नहीं ले जाने वाली है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जंगलों को बचाए, तब हम ही बच पाएंगे। जी बिल्कुल, तो अगर हम जंगलों को बचाएंगे तो हम बच पाएंगे, ये मैसेज बिरबल भाई ने दिया। इसी के साथ बिरबल भाई और विक्रम भाई का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप भी अगर इस मेले में आए हुए हैं तो ज़रूर इस स्टॉल पर आए और आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में बिरबल भाई, मैं चाहूँगा कि आपका नंबर दे दे, कुछ शायद लोग बाहर के होंगे या फिर आसपास के होंगे जो आपसे संपर्क करना चाहे तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी, मेरा फेसबुक पे भी बिरबल राठौड़ करके मेरा अकाउंट है, वहीं भी सारी जानकारी मैं शेयर कर रहता हूँ। और मेरा नंबर है 7600662684, और दूसरा नंबर भी मेरा है 9586400 यानी 0000 और लास्ट में 65, यह मेरा नंबर है। आप एक मैसेज करके हमें यही बता सकते हो कि आपको बीज किस जगह पर पहुंचाना है, बाय पोस्ट या बाय कुरियर, तो हम वो जिस तरह से पहुंचता है उस तरह जल्दी से जल्द आपको पहुंचाने की पूरी हम कोशिश करते हैं। तो आपने सुना बिरबल भाई के नंबर भी, और मैं तो ये चाहूँगा कि केवल बीज लेने के लिए नहीं बल्कि बीज देने के लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप शायद आपके पास बीज बहुत सारे हो या आपने बीज देखे हो, क्योंकि हर कोई किसी तरह का जो कार्य है उसमें रुचि लेना और उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं शायद अगर हम उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो बिरबल भाई जैसे लोगों से संपर्क करके उनका साथ दे सकते हैं। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ, हम लोग थे ललितम स्मृति कुंज स्टॉल में, और बहुत सारे बीजों की जानकारी ली। इसी के साथ और भी स्टॉल में जाएंगे और बातचीत करेंगे और फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।